हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे चैनल में। तो हम लोग आज एक चैप्टर पढ़ेंगे, गुडविल वैल्यूएशन। तो गुडविल वैल्यूएशन चैप्टर क्लास ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चन कभी कभी 4 to 6 मार्क्स में आ ही जाता है इस चैप्टर में। तो गुडविल वैल्यूएशन को स्टार्ट करते हैं। गुडविल वैल्यूएशन यहाँ पे आप देखो, गुडविल वैल्यूएशन चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है गुडविल वैल्यूएशन, क्योंकि ये एक क्लास में तो पूरा हो नहीं पाएगा, तो ये दो क्लास में हम पूरा करेंगे, मतलब कि दो पार्ट बनेंगे इस वीडियो की। तो आप लोग क्लास दोनों पार्ट अच्छे से देखना, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा आप ही के बुक से, जिस बुक से आप पढ़ते हो उसी बुक से मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी ये पार्ट वन है, तो पहली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा डिटेल, सारे मेथड्स, सारे फॉर्मूले एंड एवरीथिंग। और सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को। क्लियर है क्लास? तो चलिए क्लास, 15 to 20 मिनट्स के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर गुडविल वैल्यूएशन। क्लियर? तो यहां पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं गुडविल वैल्यूएशन क्लास। सबसे पहले मैं आपको बताऊं गुडविल होता क्या है। सबसे पहले गुडविल होता क्या है? अच्छा, इतना तो जानते हो आप लोग, गुडविल फिक्स एसेट्स होता है। क्या होता है? फिक्स्ड एसेट। और आप ये भी जानते हो कि ये इनटेंजिबल है। क्या है क्लास? इनटेंजिबल, मतलब कि आप इसको देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते इसको, सिर्फ इसका प्रेजेंस आप महसूस कर सकते हो, ठीक है। गुडविल क्लास एक ब्रांड नेम है। गुडविल क्या है क्लास? ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम गुडविल क्या है क्लास? इमेज है किसी बिजनेस की। गुडविल इज द वैल्यू एडिशन। ये क्या है क्लास? वैल्यू एडिशन है, आपके बिजनेस को बिजनेस में वैल्यू ऐड करता है। तो क्लास हम लोग कह सकते हैं गुडविल क्या है? एक मैग्नेट है। क्या है क्लास? एक मैग्नेट है। गुडविल क्या है क्लास? एक मैग्नेट है जो क्लास अट्रैक्ट करता है किसको क्लास? कस्टमर्स को। तो गुडविल इज अ मैग्नेट विच अट्रैक्ट कस्टमर। तो गुडविल के बारे में क्लास आप समझ गए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्या है गुडविल। जैसे किसी बिजनेस का ब्रांड, लाइक एप्पल, एप्पल का आईफोन जो है वो बहुत महंगा आता है, बिकॉज एप्पल का ब्रांड नेम है, एप्पल की गुडविल है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है वो अपने प्रोडक्ट्स को महंगे दामों में बेच रहा है। तो गुडविल एक ब्रांड नेम है। और आपको मैं डिटेल में थोड़ा सा बताऊं गुडविल के बारे में। तो जैसे मान लेते हैं कि आपके आसपास कोई शॉप है, आप इमेजिन कर लो आपके घर के आसपास कोई शॉप है जो कई सालों से चल रहा है, ठीक है। अब उसकी दुकान में सिर्फ 20 लाख का सामान है, लेकिन अगर आप उससे बोलो कि अपनी दुकान आप हमें बेच दो, तो क्या वो 20 लाख में सेल कर देगा? मे बी नॉट। वो 20 लाख में बिल्कुल नहीं बेचेगा, वो क्लास आपको 30 लाख में बेचेगा। आप बोलोगे सामान तेरी दुकान में 20 लाख का है, तो 30 लाख में क्यों बेच रहा है? वो बोलेगा 10 लाख में किसके ले रहा हूं एक्स्ट्रा? गुडविल के। किसके क्लास? गुडविल के। तो गुडविल क्या है क्लास? एक ऐसा मैग्नेट है जो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो गुडविल मतलब असेट माइनस आपकी जितने भी असेट हैं, उसमें से आप सारी लाइबिलिटीज को माइनस कर रहे हो, फिर भी कुछ अमाउंट बच रहा है, तो वो क्या है क्लास? आपका गुडविल है। क्लियर है? तो आगे हम लोग क्लास समझते हैं, गुडविल के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं क्या है इसके बारे में। आज मैं सारे मेथड, सारे फॉर्मूले आपको बताऊंगा। तो गुडविल फिक्स असेट है और क्या है क्लास? इनटेंजिबल असेट है, ठीक है। तो आगे इसके बाद नेक्स्ट, गुडविल दो टाइप की होती है क्लास। कितने टाइप की होती है क्लास गुडविल? दो टाइप की। एक होता है परचेज गुडविल, जिसके लिए आप पेमेंट करते हो, गुडविल क्या है क्लास? परचेज गुडविल है। और दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो आपने अपनी मेहनत से नाम कमाया है, वो गुडविल क्या है क्लास? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये दो टाइप की आपकी गुडविल है। मैं बता दूं आज तक आपने जितने भी बैलेंस शीट में गुडविल को देखा है, ऑब्वियस वो कौन सा होगा? परचेज गुडविल, क्योंकि ये तो कहीं शो ही नहीं होता। अगर आपकी बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है ना गुडविल, तो ऑब्वियस वो गुडविल कौन सा गुडविल होगा? परचेज गुडविल, जिसको आप राइट ऑफ करते हो ना हर एक पार्टनरशिप चैप्टर में। तो क्लास वो परचेज गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो आपको बैलेंस शीट में कहीं भी अपियर नहीं होता। क्लियर है यहां तक? इट इज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इट इज टू बी शोन, इसको शोन करते हो आप इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है यहां तक? तो ये आपका परचेज गुडविल हो गया। तो अब हम आते हैं क्लास अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल वैल्यूएशन, बिकॉज चैप्टर का नाम है गुडविल वैल्यूएशन, तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि गुडविल की वैल्यू आप कैसे लगाते हो, आप गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आप लोगों को सीखना है कि कैसे आपने गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्लियर है?
तो हम लोग गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेथड्स बताऊंगा आपको, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड क्या है, क्योंकि अगर हम मेथड सीख लें एक बार तो बाद में हम लोग अपने पार्ट टू की वीडियो में क्वेश्चंस बनाएंगे, तो आप अच्छे से याद कर लोगे इसको, फिर हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, तो आपके पास क्लास जो मेथड है बेसिकली तीन मेथड है, तीन मेथड गुडविल को कैलकुलेट करने के। सबसे पहला है क्लास एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, दूसरा है क्लास सुपर प्रॉफिट्स मेथड, और लास्ट है क्लास कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, ये तीन मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम सबके फॉर्मूले आज सीखेंगे और हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इस पार्ट टू की वीडियो में। क्लियर है? तो सारा फॉर्मूला आप याद करके आओगे, देन क्लास में क्वेश्चन चलेंगे, आपकी बुक के क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहला यहां पे डिस्कस करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर है? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से, एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, इस मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने के फर्दर दो फॉर्मूले हैं। पहला है क्लास नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है क्लास आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट के भी दो पार्ट है, एक नॉर्मल एवरेज, एक वेटेड एवरेज। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला है क्लास एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कई बार क्वेश्चन आता भी है एक नंबर में कि नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है, जितने साल में आप अपनी गुडविल बना सकते हो उस ईयर को बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर मान लो किसी की बिजनेस की गुडविल है 10 लाख रुपए और आपको 5 साल लगते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, सिमिलर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो ये 5 साल आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज है। इसकी कैलकुलेशन आपको करने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन में ही ये गिवन होगा, बिकॉज वैल्यूअर इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपने एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, एवरेज जानते हो ना कैसे निकालते हैं क्लास, मान लीजिए किसी साल का 40,000 है, किसी का 50,000, किसी 60,000 है, तो तीनों का एवरेज कैसे निकालोगे, तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ोगे और किससे डिवाइड दोगे, 3 से, तो आ जाएगा क्लास आपका एवरेज प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप लोग अपना एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है क्लास गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा, जो आप एवरेज प्रॉफिट लोगे, मान लेते हैं किसी साल आपका लॉस हो गया 40,000 का, तो आपने क्लास प्रॉफिट नहीं लेना, उसमें लॉस को माइनस करना है, प्रॉफिट को प्लस करना है एवरेज निकालते हो। क्लियर है? नेक्स्ट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लास इस मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला है क्लास वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपकी गुडविल की कैलकुलेशन का तरीका है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है क्लास टोटल प्रोडक्ट। मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे निकलेगा, एग्जांपल से ही क्लियर हो सकता है, लेकिन मुझे फॉर्मूले सारे लिखवाने दो, फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा एक एक करके सब पे। टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, और वेट क्या है क्लास, वेट का मतलब यहां पे इंपॉर्टेंस है, किस साल का कितना वेट है, क्वेश्चन में गिवन होता है। और प्रोडक्ट का मतलब क्या है क्लास, मल्टीप्लाई, इसमें दो कॉलम बने हैं क्लास, अमाउंट का और वेट का, फिर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, तो मैं सिखाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी आप फॉर्मूले अपने माइंड में रखो। क्लियर है? क्लास पहले बताओ कितने फॉर्मूले होते हैं, मतलब कि कितने मेथड होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के, तीन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट कितने पार्ट है, दो पार्ट, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, इससे आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और इनटू किससे करोगे मल्टीप्लाई आप, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो क्या निकल के आएगा आपका, गुडविल आएगा। क्लियर है? अच्छा, 4 साल का प्रॉफिट देखा, एवरेज कैसे निकालोगे, 4 साल का प्रॉफिट ऐड करोगे डिवाइड बाई 4, लेकिन अगर आपको किसका लॉस दिया हो तो ऐड नहीं करोगे, क्या करोगे उसको लेस करोगे। क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड है क्लास सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट्स मेथड। इस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू, सेकेंड मेथड है सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज।
तो फॉर्मूला क्या है क्लास, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है क्लास, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज तो मतलब आप समझ रहे हो, चार साल का प्रॉफिट है, चार साल को ऐड करो डिवाइड बाई फोर, तो आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। और जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला होता है क्लास कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। आप नॉर्मल कितना रिटर्न अपने बिजनेस से कमाते हो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आरओआर अपॉन 100, आरओआर क्वेश्चन में गिवन होगा रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटल का फॉर्मूला वैसे एक और भी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना क्लास 11th में, एसेट माइनस लायबिलिटी क्या आता है क्लास, कैपिटल आता है। और एवरेज तो आप जानते हो कैसे निकालना है क्लास, एवरेज प्रॉफिट। लेकिन इफ एनी रेम्यूनरेशन, इफ एनी रेम्यूनरेशन और सैलरी ऑफ ऑल पार्टनर्स पर एनम, साल भर की सैलरी इज टू बी डिडक्टेड, आपने क्या करना है क्लास, डिडक्ट करना है फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। कहां से क्लास, एवरेज प्रॉफिट से। ध्यान रखना, साल भर की सैलरी को क्या करना है क्लास, आपने एवरेज प्रॉफिट से डिडक्ट करना है, आपने एवरेज प्रॉफिट से करना है क्लास माइनस करना है, डन। तो ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला हो जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, लेकिन बहुत इजी है क्वेश्चन। क्या होता है क्लास सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर कैसे निकलेगा, एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे तो पता चलेगा एक्सेस कितना प्रॉफिट है, दैट एक्सेस प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। और इनटू सुपर प्रॉफिट निकलेगा, फिर सुपर का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल, और नॉर्मल का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में आपको गिवन दे रखा होगा। क्लियर है क्लास, तो एवरेज प्रॉफिट हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। थर्ड एंड लास्ट मेथड इज आपका जो थर्ड मेथड है वो है क्लास कैपिटलाइजेशन मेथड, वो है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने के फिर दो तरीके हो गए, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड से था, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा है क्लास आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। क्लास नेट एसेट का मतलब होता है एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज, और कैपिटलाइज प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। क्लास ध्यान रखना, कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, एवरेज किस निकलेगा, चार साल का है, चार साल का प्रॉफिट ऐड करो डिवाइड बाई फोर, अगर किसी साल का लॉस हो तो उसे माइनस करेंगे। और एवरेज में से हमेशा पार्टनर्स की सैलरीज को क्या करना है, आपने माइनस करना है, डिडक्ट करना है। क्लियर है यहां पर, तो ये फॉर्मूला हो गया कैपिटलाइज। यहां पे नंबर ऑफ ईयर परचेस नहीं आता कैपिटलाइजेशन मेथड में, और इस मेथड से क्या फॉर्मूला बनाया क्लास, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, ये बहुत ही इजी है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आ गया ना गुडविल का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ये सुपर प्रॉफिट सिखाया ना मैंने आपको यहां पे, ये रहा, ये जो पूरा का पूरा सुपर प्रॉफिट मैंने सिखा रखा है आपको, ये स्टेप, ये एवरेज माइनस नॉर्मल, फिर नॉर्मल का कैपिटल एम्प्लॉयड रेट अपॉन 100, यही प्रॉफिट। इसी तरीके से सुपर प्रॉफिट निकालोगे, फिर आप यहां पुट कर दोगे तो आ जाएगा गुडविल की वैल्यूएशन। क्लियर है, तो ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को क्लास अच्छे से लर्न करना है, मैं फाइनली एक बार रिविजन कराता हूं, आप सुनते जाना अच्छे से क्लास। ठीक है क्लास, गुडविल कौन से एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, फिक्स एसेट है। ठीक है, और गुडविल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस को, किसी बिजनेस में वैल्यू एडिशन के लिए। यार ब्रांड नेम होगा, गुडविल होगा, तभी तो कस्टमर दूर दूर से आएगा, कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो कितना ही दूर क्यों ना हो आप जाते हो ना सामान लेने के लिए, क्यों, क्योंकि उसकी गुडविल है। अब गुडविल दो टाइप का है, परचेज और सेल्फ जनरेटेड। परचेज मतलब आपने किसी नाम खरीद लिया, जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, गूगल ने यूट्यूब को खरीद लिया, तो खरीद लिए तो पैसे देंगे ना उसकी गुडविल के। अब जोमेटो एक कंपनी, अगर आप जोमेटो को खरीदना चाहते हो तो वो पैसे लेंगे ना आपसे अपने नाम के, दैट अमाउंट इज कॉल्ड गुडविल। वो आपने खरीदा है पैसे देकर, तो उसे बैलेंस शीट में आप शो करोगे। और क्लास जो खुद बनाई आपने गुडविल, परचेज गुडविल जो आपने खुद बनाया है, सॉरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, वो बैलेंस शीट में कहीं भी शो नहीं होता। कितने मेथड है क्लास, तीन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज कितने पार्ट है, दो पार्ट, कौन कौन से पार्ट है क्लास एवरेज के, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है क्लास, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है
आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मेथड का फॉर्मूला क्या है क्लास, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। क्लियर है क्लास यहां तक? आप प्रोडक्ट किसका क्लास, ईयर प्रॉफिट का और वेट का, मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन में क्लियरली आपको, पार्ट टू जरूर देखिएगा मैंने क्लास, बहुत मेहनत से क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा, उसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से इसका एप्लीकेशन करना है। सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, फॉर्मूला क्या, एवरेज माइनस नॉर्मल, तो ये क्या आएगा आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये आएगा गुडविल आपका। और नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है क्लास, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, रेट ऑफ रिटर्न जो है क्वेश्चन आपको गिवन दे रखा होगा। लास्ट क्या है क्लास, कैपिटलाइजेशन मेथड, क्या फॉर्मूला होता है गुडविल का क्लास, दो फॉर्म दो पार्ट है इसके, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, उल्टा है क्लास, 100 अपॉन रेट, आप यहां देख सकते हो 100 अपॉन रेट, तो उल्टा 100 अपॉन रेट, तो इससे निकलेगा कैपिटलाइज प्रॉफिट। माइनस क्या करोगे, नेट असेट, नेट असेट मतलब असेट माइनस लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। आई होप कि सारे फॉर्मूला आपको आया होगा, मैंने रिवीजन कराया, तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए मेरी वीडियो को, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको आ रहा है नहीं समझ में, कोई दिक्कत परेशानी हो क्लास कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच क्लास।